प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप, जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। एक बात तो बिल्कुल तय है कि हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों को रोते हुए देखने में बड़ा आनंद आता है। हलवा पकाए और ये पाकिस्तानी जो कल तक बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, भारत को गालियां देते थे और भारत की टांग खिंचाई करते थे, चाहे किसी भी उलझुल मुद्दा हो या ना हो, लेकिन इनको भारत को ब्लेम करने का ना। भारत भारत और अब भारत के भारत 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 के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ भारत ही हो। लेकिन समय का पहिया जब घूमता है ना तो अकल ठिकाने आ जाती है, तो धीरे धीरे इन पाकिस्तानियों की अकल भी ठिकाने आ रही है। सही बात है। अब इनको रोस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, अब ये खुद ही अपने आप को रोस्ट करे जा रहे हैं। अच्छा, कल फिजा खलीफा अपने आप को कर रही थी। ये जो गवाले हैं, ये दूध में पानी मिलाते हैं, माल बेचते वक्त तराजू में हेर फेर करना, अच्छा माल दिखाकर खराब बेचना, मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। और आज एक नए सहाफी को मिर्ची लगी है। क्यों हुआ? यूँ कि भारत की करेंसी धीरे धीरे पूरी दुनिया में छाती जा रही है। 18 देशों ने भारतीय करेंसी में लेन देन को स्वीकार कर लिया और उन कंट्रियों के नाम देख के पाकिस्तानी सहाफी की गैरत जाग उठी और पाकिस्तान को भी पहनने लगे। तो सबसे पहले तो इनका रोना पीटना देख लेते हैं, तो चलते पाकिस्तान। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है, यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया की के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस डॉलर को ट्रेड किया जाता है ना और ट्रेड की जाती है उसमें, हम इस्तेमाल करेंगे। यार इंडिया की बात कर रहा है, यार अपनी बात करना भाई, करते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आपका हमसाया जब नई गाड़ी लेता है ना तो बड़ी गरज जागती है। हम कहते हैं हमारे पास भी होनी चाहिए। आपके रिश्तेदारों में जब कोई शख्स अपना नया घर लेता है या घर रेनोवेट करके नया फर्नीचर लेके आ जाता है तो हमें बड़ी वो होती है। खवातीन को देख लें आप, अगर साथ कोई और खातून ने नया लॉन का जोड़ा पहन लिया हो तो कैसे हस्बैंड्स की जान खा लेती है कि हमें भी लेकर दें। ठीक है, तो ये तो होता है, लेकिन ये गैरत इन मामलों में जागती है, फजूल के मामलों में, इन मामलों में नहीं जागेगी हमारी। इंडिया के 18 इंडिया की करेंसी 18 ममालिक में ट्रेड होने जा रही है। रूस के साथ मामलात उसने अपने तय किए जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, पूरी दुनिया ने रूस का बॉयकॉट किया, उसने कहा वेरी गुड हम एक काम करते हैं, हम भी रूस के साथ तजारत करते हैं। इमरान खान ने यही काम किया था, हमने उठा के बाहर मारा उसको, हमने कहा है एक बंदा है अच्छा काम करने जा रहा है, नहीं उठा के बाहर फेंको उसको। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। खैर इंडिया ने ये काम किया, रूस के साथ उसने तजारत की, रूस पे थी पाबंदियां, रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। इंडिया ने कहा मेरा पैसा लो, इंडिया ने अपना पैसा दिया, रूस का पैसा लिया, बायलैटरल ट्रेड हुई ना। यही काम उसने चाइना के साथ किया, चाइना के साथ हालांकि भारत जंग कर चुका हुआ है, अभी हाल ही में जो उसकी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल लद्दाख के मकाम पे, जंग कर चुका हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसका चाइना के साथ। उसके बावजूद चाइना के साथ हर साल भारत 68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तजारत करता है, 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है भारत की चाइना के साथ। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं, डूब मरने का मकाम है। लेकिन आप लोग डूब के मरोगे नहीं, नहायत ही बेशरम कौम हो भाई। सही पकड़े हैं। उसके बावजूद लड़ाई के बावजूद भी, और हमने भारत भाई ठीक है दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए, 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ भारत खा जाएगा, भारत पागल है यार। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, आज याद रखिएगा, आपके चौकीदार ने जिस दिन आपको यकीन दिला दिया कि आपकी गली सेफ है आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, आपका चौकीदार हमेशा आपको डरा के रखेगा, भारत खा जाएगा जी, पागल है भारत खा जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसपे 150 अरब डॉलर्स के कर्जे हैं, उस मुल्क पे कब्जा करके वो पागल है, IMF मकरूज बनने जा रहा है, उसकी इकोनॉमी पे किसका किसी का कर्ज नहीं है, वो पागल है। हमने एक हवा बना के रखा हुआ यार, भारत ये भारत वो, 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो अपनी, दिन सवर जाएंगे तुम्हारे। चाइना को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते, चाइना हर चीज बना लेता है, उसको जरूरत नहीं है आपकी। इंडिया में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की जा सकती हैं, नहीं है। हम वो ज़राई मुल्क हैं जो आटा बाहर से मंगाते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। भारत मैं आपको मुल्क बताता हूँ जिनके साथ भारत ने मुआहदे किए हैं और भारत अपनी करेंसी वहां पर इस्तेमाल कर रहा है, अपनी करेंसी ट्रेड कर रहा है। बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रही भारत के साथ, वो उसकी करेंसी में कर रही है। आगे सुनिए, गयाना, इसराइल, कीनिया, अच्छा मैं नहीं कहता इसराइल के साथ ना करें, वो तो भारत के ताल्लुक आते हैं, आप ना करें, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशियस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, अच्छा शिलीज, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगेंडा और यूके, यूके तक की करेंसी, यूके मतलब उनका पाउंड पूरी दुनिया में चलता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया दे प्रेफर टू ट्रेड इन इंडियन रुपी। तो ये क्या है,
आप खुद सोचे जरा कि किस तरह के हमने अपनी इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क खुद किया है, क्यों किया है, आइसोलेट करके रखा हुआ खुद को, हर किसी से हमारी लड़ाई है, हर किसी से हमारा फड़ है। और ये आपको यकीन कीजिए, ये आधा काम तो सहाफत ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो इन सहाफियों से बड़ा परेशान हूँ, हालांकि मैं खुद भी वही हूँ, 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, जो झूठ आता है मुंह में बोलते जाते हैं। खुद मीडिया में हो गए, पाकिस्तान की मीडिया को खुद ही एक्सपोज किया जा रहा है। शाबाश पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी खुश हुआ, फुला ने जनाब वो ये कर दिया जी, जनरल आसिफ मुनीर ने फलां शख्स को उठा के फोन किया और उसको ये कहा कि इमरान खान को हमारे, आप हमारे प्रायोरिटीज देखें जरा, आप हमारी तरजीहात देखें जरा। हम सारा दिन जो है ना वो टिकटिकी बांध के, यूट्यूब हो या टीवी हो या फेसबुक की वीडियोज हो, हम क्या देख रहे होते हैं, ओहो ये साफ ही हमें बताने लगा है जनरल आसिफ मुनीर ने इमरान खान को क्या धमकी दी, या इमरान खान ने नवाज शरीफ को क्या धमकी दी। ओ माई गॉड यार, बंद कमरे में अगर उसने दो अल्फाज कहे भी हैं तो मामा लगना है, तेनु किवें पता। मैं इनके साथ 15 साल बता चुका हूं, ये झूठ बोलते हैं यार, खुदा का खौफ करें। वो सहाफी नहीं है जो आपको डरा के ना रखे, ये करते हैं, ये इन्होंने एक हैजान, याद रखिए सहाफी की दुकान चलती है अगर वो हैजान बापा करके रखे, ये हैजान बापा करके रखते हैं, इसी में इनका सर्वाइवल है, आपको डरा के रखते हैं, आपको परेशान करके रखते हैं। बंद कमरे में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल के, कुछ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कुछ चीफ जस्टिस है, इनको कैसे पता चल जाता है, कभी गौर किया आप लोगों ने यार, ये जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं। अब ये बताए सऊदी, मैं ऐसी भी खबरें मिलती हैं, यकीन करिए, फुला लीडर ने सऊदी फरमा रवा को फोन किया, उसने उसको ये कहा, सऊदी फरमा रवा की कॉल इंटरसेप्ट कैसे कर ली तुमने, उसकी कॉल में तुम कैसे घुस गए, कैसे पता है तुम्हें। और वाह 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 या वाह, मुझे यार फुला फुला जो है ना बड़ी अच्छी बातें करता है, अबे मसालेदार बातें करता है यार, अच्छी बातें नहीं करता, वो बातें, ये वो बातें करते हैं साफी जो आप सुनना चाहते हो, ये वो बात नहीं करते हैं जो सच है। मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं 15 साल से इस कारोबार में हूं, मैं इसको काम नहीं कह रहा, मैं कारोबार कह रहा हूं, ये कारोबार है, याद रखिए। आप लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाई हुई है, ये इनका काम है झूठ बोलना, हर किसी का, हर कोई आपको झूठ बोल रहा है, सियासतदान हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, सहाफी हो, सब झूठ बोलते हैं। हर किसी ने एक ही मंत्र अपनाया हुआ है, कौम को डरा के रखो ताकि ये भेड़ बकरियां बन के रहे, सोच ना सके, तखलीक ना कर सके, क्रिएट ना कर सके, सवाल ना कर सके, सोचिएगा जरूर। तो तुम्हारे दुख कभी खत्म होंगे भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने जो कर्म किए ना, तो भैया कर्मा इज बैक, सजा तो मिलनी मिलनी है। अब तुम गाली चाहे अपने नेताओं को दे लो, चाहे अपनी आर्मी को दे लो, चाहे अपने पत्रकारों को दे लो, लेकिन जो बोया है वो तो काटोगे काटोगे, जो बद्दुआ है तुमने हिंदुओं की खाई है वो नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। ये वीडियो में तो मुझे रोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप भाई ने अपने आप को रोस्ट कर दिया, अपने आप को एक्सपोज कर दिया, तो मजा तो आपको भी आया होगा। तो उस मजे को कमेंट सेक्शन के अंदर पहलते हुए जाइए भाई साहब। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।